सिनेमन रोल्स। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे, इसको हम रेक्टेंगल शेप में बेलेंगे। और सबसे पहला काम, इसको हमने यहाँ पे हल्का सा मैदा लगाया और इसको बेलना शुरू करेंगे। ये रेक्टेंगल शेप यानी चौरस नहीं, लंबाई में और थिकनेस में कम, लूज़ किया और ये हो गया हमारा डो तैयार। इसको आपने इस तरीके से बेलना है। अब इसके ऊपर आ जाएंगे इसकी टॉपिंग्स। टॉपिंग में ये ब्राउन शुगर, ये वॉलनट्स, मेल्टेड बटर, सिनेमन पाउडर और ब्रेडक्रम्स। अच्छा, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर जहन में रखेगा, ये ताज़ा पीस है, कोई फ़ायदा नहीं। अभी हमने, मैं शो से जैसे पहले आया था तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया, जो ऑलरेडी पिसा हुआ था, लिटरली कोई खुशबू नहीं थी। ये सिनेमन रोल है, इसका काम ही, इसका नाम ही इसी वजह से है कि जब ये बेक होगा तो पूरा किचन सिनेमन यानी दालचीनी के पाउडर से महक जाएगा। इसके बाद ये मक्खन पिघला हुआ, इसके ऊपर ज़रा खूब सारा बेताशा बल्कि, ये आपने पहले मक्खन इसके ऊपर डाला, इस तरीके से इसको फैला देना है। ब्रेड क्रम्स, अखरोट चॉप किए हुए, और इसकी बहुत सारी टॉपिंग्स हैं। ये सबसे मशहूर टॉपिंग और जो अंदर फिलिंग है मैं बना रहा हूँ वॉलनट के साथ, अदरवाइज इसमें और बहुत सारी किस्म के नट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये आ गया इसके ऊपर दालचीनी पाउडर, ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है, और इसको ज़रा काफ़ी सारा डालना है इसके ऊपर। इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर ब्राउन शुगर, नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर से इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा बनता है। इसके बाद ये सारा इसके ऊपर डालने के बाद साइडों को अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे इक्वल बिल्कुल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके बाद यहाँ से साइड इसकी उठाई और ये साइड से आपने इसको बेलना शुरू कर देना, रोल करना। अच्छा, रोल आपने थोड़ा सा ज़रा टाइट रखना है, यानी बहुत लूज भी ना हो, बहुत टाइट भी ना हो, हल्का सा पहले रोल करते जाएंगे। इसके बाद ये आराम से रोल हो जाएगा, ये रोल हुआ, ये हमने इसकी डिश ले ली, ये आपने इस तरीके से इसको काटा। इसके बाद ये डिश ली, इसको हमने हल्का सा ऑयल किया हुआ है। उसके बाद एक एक रोल लेके, जहाँ से इसकी ओपनिंग ये वाली आ रही है, ये देखें, जहाँ से इसको हमने रोल किया था, ये वॉल इसकी तरफ होगी, वॉल की तरफ, ताकि खुले, जब ये खुलेगा तो एक साइड पे इसकी जो जहाँ से खुलना चाहिए ये खुल रहा है, ये इसको कवर कर लेगा। एक एक करके रोल सारे इसमें रखते जाते हैं, जैसी 180 आ जाएगा उसको हम बेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट है। टॉपिंग के लिए इसमें क्रीम चीज़ है 375 ग्राम, पूरा एक टेटर पैक में आता है, वो हमने ले लिया। वेनिला से 1 खाने के चम्मच, आइसिंग शुगर 150 ग्राम और मक्खन इसमें 100 ग्राम है। तो सबसे पहले इसमें लिया आइसिंग शुगर 150 ग्राम, ये आ गया इसमें क्रीम चीज़ 375 ग्राम, 1 खाने के चम्मच इसमें वेनिला एसेंस आ गया, मेल्ट हो गया, ये मेल्टेड बटर आ गया, और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, एंड दैट्स इट। ये हमारी टॉपिंग होगी तैयार, पकाना नहीं है इसको बिल्कुल, इसको सिंपली हम फेंटेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, फेंटते चले जाएंगे, बस हमने खाली वहाँ पे देखना है। देखिए 178-180 आ गया हमारा टेम्परेचर, क्योंकि हमें इसको फौरी तौर पे रखना है। इसका बेकिंग टाइम 20 से 25 मिनट है, ये आ गया अवन में। चल, अब इससे हमारी छूट गई जा, बल्कि बिल्कुल थोड़ा बहुत जो चीज़ आपको नज़र आ रही है क्रीम चीज़, वो आपने फेंट लेनी। ये इसका सबसे मज़े का सॉस है, और ये सिनेमन यहाँ पे मैं अवन से निकाल रहा, ऐसा कलर देख लें। इसको बंस को थोड़ा सा साइडों में हल्का हल्का सा छुड़वा लेंगे, इन केस अगर कहीं थोड़ा सा चिपक गया हो तो। वैसे इसको हमने ऑयल कर लिया था डिश को, बस बस जस्ट अमेजिंग। इसका तरीका ये है, अगर आपने तस्वीरों में देखा होगा तो बिल्कुल इसी तरह का, और ये गर्म पे ही लगाना है, तो थोड़ा सा मेल्ट होगा और ये अंदर भी इसमें थोड़ा सा बैठ जाएगा, लेकिन ये इसका सॉस जो है ये इसकी सबसे अहम चीज़ है। सिनेमन रोल्स, अच्छा डो के लिए मैदा 750 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, दूध 500 ग्राम, अंडे 3 अदद। फिलिंग के लिए ब्राउन शुगर 200 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, पिघला मक्खन 250 ग्राम, सिनेमन पाउडर 4 खाने के चमचे, अखरोट क्रश्ड 100 ग्राम। टॉपिंग के लिए क्रीम चीज 375 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 150 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम।